आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू देना होता है या फिर आईएएस बनने के प्रोसेस में इंटरव्यू नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यही जानेंगे, उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानेंगे कि आईएएस बनने में अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो दोस्तों आपको पता ही है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी जीके करेंट अफेयर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जीके और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, डेली क्विज पूछते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपकी जीके और करेंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। टेलीग्राम पर जाके आप आयुष रीना सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो देखो भाई आईएएस ऑफिसर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, आईएएस ऑफिसर के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है और पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और आपने बहुत सारी वीडियोस को बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या इंटरव्यू होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे इंडिया में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होती है टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, अगर आप टॉप रैंक में करते हैं तो दोस्तों आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में टॉप लेवल का एग्ज़ाम हो तो इसमें इंटरव्यू तो होना ही है। तो जी हाँ दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। अब बारी आती है कि आईएएस बनने के लिए अगर आपको इंटरव्यू देना होगा तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडिया दूंगा, कुछ हिंट्स दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। देखो गाइस, इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपसे रिलेटेड। कहने का मतलब है कि आपने जो भी डिटेल्स दी थी, यानी कि आप किस जगह से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, ये सारी जो कि आपकी पर्सनल डिटेल होगी उससे क्वेश्चन उठते हैं। मान लेते कि आप यूपी से हैं, यूपी में आप वाराणसी से हैं तो वाराणसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वाराणसी की हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। और दूसरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो देश दुनिया में जो रिसेंट में हुआ होता है, जो रिसेंट में घटनाएं घटी होती है, कुछ भी हो सकती है, कहीं पे तूफान आए हो, कहीं पे युद्ध हुआ हो, कहीं पे कोई न्यू रूल्स आए हो, कहीं पे किसी चीज़ का विरोध हो रहा हो, यानी कि कुछ भी जो भी रिसेंट में हुआ है पूरी दुनिया में उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग ज़रूर पूछते हैं। तो ये दोनों मेजर सेक्शन होते हैं, एक तो आपका पर्सनल जो भी होता है उससे रिलेटेड और रिसेंट में जो भी वर्ल्ड में इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर जो भी न्यूज वगैरह होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक सवाल का जवाब दिया तो आप ही के जवाब से वो दूसरा क्वेश्चन मनाते हैं, फिर उसी के जवाब से वो दूसरा क्वेश्चन मनाते हैं, इस तरीके से भी होता है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इंटरव्यू में, और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके सिलेक्शन में जुटते हैं। इसलिए दोस्तों आपको तैयारी तो अच्छी तरीके से करनी ही है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना होता है। हालांकि जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कुछ टाइम जरूर मिलता है, उसमें आप अपने इंटरव्यू की तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। आईएएस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है howtobecomeinindia.in, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो आयुष रीना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप सर्च बॉक्स में जो भी आपको जानना है उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अभी किस क्लास में है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।